प्रीत विहार इलाके में कारोबारी परिवार को बंधक बनाकर लूटने का मामला सामने आया है। घर में मौजूद लोगों के साथ जमकर मारपीट भी की गई, लोहे की रॉड बुजुर्ग के मुंह में घुसा दी गई। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, घर में मौजूद लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई, बंधक बनाकर ये लूट का मामला सामने आया है। बुजुर्ग के मुंह में लोहे की रॉड तक ठूस दी गई। फिलहाल केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके की ये पूरी घटना है। कारोबारी परिवार को बंधक बनाकर लूटा गया है। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और घर में मौजूद परिवार के सभी सदस्यों के साथ मारपीट की का भी मामला सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके की ये घटना है जहां एक कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर लूटा गया। मथुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी। मथुरेश, क्या है पूरी खबर? जी, घटना रात तकरीबन 2 बजे की है जब प्रीत विहार इलाका, जो पूर्वी दिल्ली के सबसे सेफ और सिक्योर इलाके में, पॉश इलाके में से एक इलाका है, यहाँ पर ए ब्लॉक के अंदर में एक परिवार रहता था। उस परिवार के पास जो है 7 लोग उसके घर में घुसते हैं और छत के माध्यम से वहां पर घुसते हैं। उसके बाद जो है वहां पर इन लोगों को बंधक बनाकर इन लोगों की पिटाई भी करते हैं। घर में रखा हुआ जितना ज्वेलरी होता है वो सभी कैश ये सब लेकर के फरार हो जाते हैं। हालांकि इसकी जानकारी सुबह में पुलिस को दी गई और पुलिस ने अब इस मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। लेकिन मथुरेश, कितना कैश लेकर गए इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? कितनी नकदी लेकर गए? और आप जैसे बता रहे 7 लोगों की संख्या में ये बदमाश थे, तो कुछ सुराग मिल पाया है? जी हाँ, बताऊँ, इसमें 15 लाख के करीबन कैश का बात किया जा रहा है। बताया जा रहा है 15 लाख का लगभग में कैश था, जो शादी आगे इसके परिवार में किसी की शादी होने वाली थी उसके लिए कैश भी कुछ घर में था। ज्वेलरी थी जो शादी के लिए बनाया गया था, उन सभी चीजों को लेकर के फरार हो गए हैं और पुलिस इसमें जांच कर रही है। इसमें 7 लोग हैं और 7 लोगों की ये जो है तलाश बिल्कुल कर।